जय हिंद दोस्तों, मैं अमरदीप स्वागत करता हूँ आप सभी को डीप स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों आज हम आरएस अग्रवाल का मैथ्स जानेंगे, एवरेज चैप्टर। एवरेज चैप्टर में यानी औसत का वो क्वेश्चन हम पहले 10 क्वेश्चन जानेंगे जो कोई सर नहीं बताते हैं इन यूट्यूब पे। हम बहुत सारे सर का वीडियो देखे हैं लेकिन वो कोई सर वो 10 क्वेश्चन नहीं बताते हैं, वो हम बताएंगे, ठीक ना। हाँ, एग्जाम्पल का 10 क्वेश्चन हम बताएं। अगर आप उस एग्जाम्पल का 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी एवरेज का क्वेश्चन है सारा सॉल्व कीजिएगा चुटकी बजाते हुए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो जानते हैं, ठीक ना। और कुछ फार्मूला है, अगर आप नोट करना चाहिएगा तो नोट कर सकते हैं। वैसे हम फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट और खाते मेथड का यूज करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए आप ऊपर हम देखते हैं बुक में, ठीक ना। बोला प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए आखिर प्राकृत संख्या कहते किसको है, ठीक। तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं यानी कि एक से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जहां चले जाइए उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से 2, 3 इस तरह से डॉट 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 इटी से अनंत जहां तक बोल रहा है वहां तक चले जाइए आप, प्राकृत संख्या कहलाए, ठीक। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 50 तक के प्राकृत संख्या का औसत कितना, तो +50। एक से स्टार्ट हुए हम, कहाँ तक गए, 50 तक गए, 50 तक गए ना, ये 50 है, 50 तक गए। कुछ प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना है, ठीक। तो औसत पूछ रहा है तो आपको एक बात ख्याल रखना होगा, देखिए मतलब ट्रिक से अगर हमको मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करना है तब याद रखिएगा। देखिए 1 और 2 कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। उसी तरह अगर आप देखिए 50 से पहले क्या होगा, 49, कितना का अंतर है, 1 का। 49 से पहले क्या होगा, 48, कितना का अंतर है, 1 का। यानी सभी जगह पहला अंक और उसके बाद का अंतर कितना है, 1 है। इस तरह से अगर कहीं पर भी अगर अंक पहला अंक और दूसरे अंक का अंतर 1 रहेगा या अंतर सेम रहेगा, ठीक ना, तो उस जगह अगर हमें औसत पूछेगा तो हम क्या करेंगे, शुरुआत का अंक प्लस लास्ट का अंक बट्टा 2। तो यानी शुरुआत का अंक कितना, 1 प्लस लास्ट का अंक 50 बट्टा 2, दिख रहा है ना, शुरुआत का अंक 1 और लास्ट का अंक 50, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, बराबर कितना आ जाएगा, 50 से 51 बट्टा 2 भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 25.5 हो गया हमारा आंसर। कोई फॉर्मूला यूज किए नहीं किए और ना करेंगे, यही तो है खाटी मेथड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए, नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो हम यहाँ देखते हैं, आप ऊपर देखिए। बोला है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना है, 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना है ये बोला है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जैसे लास्ट में पहला क्वेश्चन बताया था उसमें पता होना चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर पता होना चाहिए आपको विषम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक, विषम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वैसी संख्या जो 2 से विभाज यानी 2 से पूर्णतः न कटे वो विषम प्राकृत संख्या होती है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 60 तक के सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना है, पहला नंबर प्राकृत संख्या बोला है तो प्राकृत संख्या जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से 2, 3, 2 आता है विषम प्राकृत संख्या में, नहीं आता क्योंकि 2 से तो विभाज्य है, नहीं होना चाहिए विषम प्राकृत संख्या, तो 2 नहीं आएगा, ठीक। तो 3, 5, 7 क्या वो क्वेश्चन क्या बोला, देखिए क्वेश्चन बोला 60 तक, इसीलिए हम 60 लिखे, 60 तक के विषम प्राकृत संख्या बोला, तो 60 विषम प्राकृत संख्या में आता है, नहीं ना आता, तो उसके आगे तक नहीं जाएंगे तो पीछे ही रहेंगे, तो पीछे कहाँ तक जाएंगे, 59 तक, 59 विषम प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है यानी कि +59, ठीक। यहाँ फिर से लिख देते हैं 1 + 3 + 5 + +59, ठीक, दिख रहा है 59। अब इसमें देखिए इसका भी विषम प्राकृत संख्या का औसत पूछ रहा है 60 करके, तो देखिए शुरू और दूसरा अंक
का अंतर कितना है, दो का है, यहाँ पे तीन और पांच का अंतर कितना है, दो का अंतर है ना, अंतर दो का। उसी तरह 59 के पहले कौन सा, 58 होगा, 58 विषम प्राकृत संख्या में आता है नहीं ना, क्योंकि 58 दो से कट जाता था, कितना होगा 57, तो 57 ठीक, यहाँ कितना का अंतर हो जाएगा, दो का अंतर हो जाएगा। उसी तरह 57 के पहले 56 आएगा नहीं, क्योंकि दो से कटता है, तो कितना आएगा 55, तो प्लस 55 ठीक, कितना का अंतर, दो का अंतर। देख लीजिए यहाँ भी दो का अंतर, आगे भी अंतर, यानी कि अंतर जो है विषम प्राकृत संख्या का अंतर यहाँ पर कितना, दो का चलेगा। तो जहां समान अंतर चलेगा वहां पर क्या करेंगे, शुरू का अंक प्लस लास्ट का अंक को जोड़ देंगे और उसको दो से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, शुरू का अंक 1 प्लस 59 बट्टा 2 बराबर, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 बट्टा 2 बराबर 30 हो गया आंसर, हो गया सिंपल, बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं, नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन को अगर आपको बनाना होता फॉर्मूला पर तो फॉर्मूला पर भी बना सकते थे ठीक, लेकिन फॉर्मूला पर नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, उतना आप उनके पास उतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन से पहले बोल दो। आगे क्या क्वेश्चन बोला वो देखते हैं, बोला 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या का औसत कितना है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या, आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, सम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये, तो सम प्राकृत संख्या उसे कहेंगे जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो, यानी दुक्का के पार पड़ेंगे तो वो कट जाना चाहिए, दो से कट जाना चाहिए ठीक, कोई डाउट, नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। तो आगे बोला 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्या का औसत कितना है, हम नीचे देख रहे हैं आप ऊपर देखिए, तो बोला 50 तक के, तो देखिए यानी कि 2, 4, 6, ... 50 50 तक की ना बोला है, तो 50 लिखेंगे, तो 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्या का औसत कितना है, तो यहाँ पर भी देखिए तो सम प्राकृत, तो 2 और 4 का अंतर कितना है 2, 4 और 6 का अंतर कितना है 2 है, उसी तरह 50 से पहले 49 होगा, 49 आता है सम में नहीं ना, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं, तो कितना होगा 48 होगा, तो 48 आया, यहाँ कितना का अंतर हो गया 2 का, 48 से पहले कितना होगा 46, 46 से नहीं होगा 47 तो नहीं होगा, और 46 होता है तो यहाँ पर भी कितना का अंतर होगा 2 का अंतर होगा, समझ गए ना, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ठीक ना, नहीं समझे, सभी जगह अंतर 2 का हो रहा है, तो हो रहा है तो शुरू प्लस लास्ट कर देंगे जैसा कि पीछे बताए, याद होना चाहिए, भूलिएगा मत, तो 2 प्लस 50 बट्टा 2, अब 2 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 52, 52 बट्टा 2 भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 26, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आंसर हो गया, चलिए नोट कीजिए, नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, सब यही याद होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बोला, बोला है ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनका इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है ठीक ना, चौथा नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ठीक ना, चलते हैं क्या बोलता है चौथा नंबर, आप ऊपर हम नीचे, बोला ए बी सी की आयु क्रम सब 32, 36 तथा 40 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु क्या है, देखिए यहाँ तो तीन व्यक्ति है माने ए बी सी है ठीक, और इसका तीनों का दिया हुआ है, इसका औसत आयु पूछ रहा, तो आप पढ़े होंगे बचपन में कि सभी आंकड़ों का योग बट्टा सभी आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ वैल्यू, तो इस तरह में क्या सभी को जोड़ करके 3 से भाग दे दें क्योंकि 3 व्यक्ति हैं ठीक, तो दिया हुआ है 32 प्लस 46 प्लस 36 प्लस 46 ठीक ( 3, अब इन सभी को 32, 36, 46 ठीक है जोड़ देते हैं ठीक ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं ना खोज रहे हैं, या आप खोज वो नहीं कीजिएगा, तो 6, 6, 12, 12, 2, 14 के 4 हाथ में 1, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 1, 11 114 बट्टा 3 फाइनली आ जाएगा, भाग देंगे तो 3, 3, 9, 2, 2, 3, 8, 24 यानी 38, यानी एवरेज उम्र हो जाएगा, औसत उम्र हो जाएगा सभी का 38 वर्ष ठीक ना, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं ना, देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ होगा चुटकी बजाते, यही तो काफी मेथड है,
देखिए बोल रहा आप पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ये देखिए आप ऊपर हम नीचे, यानी क्वेश्चन क्वेश्चन आप ऊपर देखिए हम नीचे, क्वेश्चन बुक में देखना है ठीक ना। और बीच बीच में सब्सक्राइब शेयर भी किया कीजिए, लाइको कीजिए। बोला एक कक्षा के 21 छात्रों का औसत भार 30 kg है, एक कक्षा में 31 गो स्टूडेंट है। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5 नंबर ठीक। बोला एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है, यानी एक स्कूल है ठीक, उसमें 31 गो यानी 31 गो स्टूडेंट है, छात्र हैं, छात्र छात्रा हैं दोनों हैं। कितना है तो लिख लेते हैं, जितना बोल रहा है लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन ऊपर देखिए 31 छात्रों का औसत भार 30 है, टोटल स्टूडेंट कितना है 31 गो है ठीक ना, 31, और उसका औसत औसत भार जो है वजन 31 kg है, 30 kg है सॉरी, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 kg है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है, अध्यापक यानी सर जी शिक्षक सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी उनको जोड़ लिया जाता है, 31 गो स्टूडेंट खुद हुआ ठीक, एगो सरजियों को लाभ दिए बीच में उनको भी जोड़ लिए, तो कितना हो गया 32 गो हो गया टोटल ठीक, 32 हो गया ना, यानी एगो को जोड़ेंगे। तो आगे बोला यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगा, यानी जो 31 है ना उसमें 500 ग्राम का वृद्धि हो जाएगा, तो 30.5 30.5 हो जाएगा, टोटल कितना 32 हो गया, 32 हो जाएगा ना टोटल, यानी 0.5 वृद्धि होगा तो सभी के लिए ना हो जाएगा वृद्धि, सभी के लिए होगा। किसी के आने से अगर मान लिया जाए, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं ठीक, मिठाई लेकर आते हैं ठीक, तो आपके घर के सभी मेंबर खाते हैं ना, कोई ऐसा नहीं तो एक ही मेंबर खाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, आता तो सभी के लिए, तो यानी सभी के लिए वृद्धि हुआ ना, अगर सभी लोग खाएंगे तो सभी को ऊर्जा प्रदान मिलेगा, सभी के लिए हुआ तो टोटल कितना, शिक्षक को जोड़ लेने से 32 गो हो गया, ऐसे था कितना स्टूडेंट 31, सर को आने के बाद 32 हो गया, उनके वजन में 30.5 500 ग्राम का वृद्धि हो गया, तब पहले 30 था तो 30.5 हो गया यानी 500 ग्राम ठीक, 10 के आगे 0 दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक। अब पूछ रहा आगे क्या पूछ रहा, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, सर जी का भार ज्ञात कीजिए मास्टर साहब का, तो सर जी तो एक वो है तो वाट ठीक। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी मान लिया जाए टोटल का वैल्यू दिया हुआ ठीक, टोटल का वैल्यू दिया हुआ, उसमें से एक कम का या कितनों कम का फिर दिया हुआ, और उसमें से शेष का पूछे, मान लिया जाए छः व्यक्ति है, छः का वैल्यू कुछ दिया हुआ ठीक, और चार का या तीन का इतना का दिया हुआ ठीक, और चार का दिया हुआ और दो का पूछ रहा है, तो इस स्थिति में शेष ग्रुप हो जाएगा, तो शेष का पूछ रहा है, तो शेष ग्रुप आधारित पर इस तरह से बनेगा, जैसे मान लिया जाए 30 दिया हुआ टोटल, तो लिख लेते हैं 30 ठीक, व्यक्ति के आने से बढ़ रहा है कितना 0.5 का, 0.5 कितना के लिए बढ़ेगा 3200 के लिए, तो 32 यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसीलिए हम प्लस किए ठीक ना, और घटता तो घटा देते जब शेष ग्रुप करके चर्चा रहेगा ठीक ना, तब बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे ठीक। तो बढ़ कितना रहा है 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 कितना के लिए बढ़ रहा है 32 के लिए, तो 32 से गुना कर देंगे, तो 32.5 से गुना करेंगे तो 5 × 10 के 0, 5 × 15 = 16, ये 0.1 के बाद यानी कितना हो गया 16 से, तो प्लस 16 ठीक, कितना सर ये 1 के लिए, तो बट्टा 16 के बट्टा 1, तो 30 बट्टा में 16 कुछ रहे या ना रहे, कोई 16 के बट्टा में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 रहेगा तो 2-3 रहेगा तो पड़ेगा ही ना, तो 30 + 16 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो सर जी का उम्र कितना हो जाएगा 46 kg ठीक ना, मास्टर साहब का उम्र कितना हो जाएगा 46 kg ठीक ना, अध्यापक का ये भाग पूछ रहा है ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव के उसी तरह का ठीक ना, आप ऊपर देखिए, एक नाव के 10 नाविक में से 56 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, यानी देखिए एक नाव के 10 नाविक यानी एगो नाव है ठीक ना, उसमें 10 नाव को चलाने वाला है ठीक, और उसमें से
सभी का वजन कितना है नहीं पता, लेकिन एगो व्यक्ति का वजन है 56 केजी। ठीक, 56 केजी है। हाँ, उस वो बोला है भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से बोला है कि मतलब 56 केजी जिस व्यक्ति का भार है ना नाभिक का, वो क्या होता है चला जाता है। एगो व्यक्ति उठ के चला जाता है, उसका वजन है 56 केजी, तो वो उठ के चला जाता है। ठीक ना, उसके जगह पर एगो दूसरा व्यक्ति आता है। ठीक ना, तो उसके उसके आने से क्या होता है ना 800 ग्राम वजन का वृद्धि हो जाता है, 800 ग्राम वजन का वृद्धि हो जाता है। तो 800 ग्राम का वृद्धि होगा तो सभी के लिए होगा, 200 नाविक के लिए हो जाएगा। देखिए 10 था, ठीक, एक गया 56 केजी का तो 9 बच गया, और उसके जगह पर फिर एक आ गया तो फिर से 10 ही हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। और उसके आने से क्या हुआ कि 800 ग्राम सभी का वजन बढ़ जाता औसत, तो सभी के लिए 800 ग्राम बढ़ता है, 800 ग्राम बढ़ता है। कितना के लिए? 10 के लिए बढ़ता है, 10 के लिए, 10 दसों के लिए बढ़ता है, 10ों के लिए बढ़ता है, तो 10 से गुना। ठीक, और इसे ग्राम में हो गया, इसको पहले हम केजी में चेंज कर लेते, तो 1000 से भाग कर देंगे तो 30 से 30, यानी कि कितना बढ़ा, 8 केजी बढ़ा, 8 केजी बढ़ा। ठीक, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, तो नए नाभिक का भार कितना हुआ, जो गया है वो था कितना का, 56 केजी का। ठीक, 56 केजी का था, तो उसके 56 केजी वाला गया, ठीक, और आया तो सभी में 8 केजी टोटल बढ़ा। ठीक, मान लिया जाए वो जो आया वो उसको 8 केजी बढ़ा, तो 56 + 8 तो कितना हो गया, 64 केजी दिख रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए 64 केजी। ठीक ना, 64 केजी कंप्लीट, कंप्लीट। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में देखिए, यानी कि बताइए, और नहीं तो इसको बार बार देखिए, समझ जाइए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखिए। बोला 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी 11 परिणाम है कुछ, ठीक ना, उसका औसत दिया हुआ 50। ठीक, अब बोल रहा है आगे, प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक ना, छठा परिणाम क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी प्रथम 6 का 49 तथा लास्ट 6 का 52, छठा परिणाम क्या होगा ये पूछ रहा है। What? What? दिख रहा है ना छठा, यानी कि मान लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 व्यक्ति है टोटल। ठीक ना, मान लिया जाए 11 परिणाम है टोटल, और इसमें से बोल रहा है या जो बीच में छठा है 6, छठा जो है इसका परिणाम पूछ रहा है क्या होगा। और हमें दिया हुआ है 11 का टोटल परिणाम दिया हुआ, और प्रथम 6 लास्ट के 6 का दिया हुआ। आप देखिए अगर ये 12 यानी 6, 6, 12 हो गया, अगर इस टोटल 12 परिणाम में से 11 परिणाम को घटा देंगे तो छठा परिणाम निकल जाएगा ना, तो आप लोग निकालिए, नहीं तो हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कीजिए, यानी देखिए सिंपल मैटर से अगर 6 × 49 करते हैं तो कितना होता है ये देखिए, तो 6 × 9 = 54, हाथ में 5, 6 × 6 = 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 294। उसी तरह 6 × 52, ठीक, कितना हो जाएगा 6 × 12 = 2, हाथ में 1, 1 = 56, 36, 1, 1 = 312, 6, 6, 12 हो गया। अब कितना 11 × 50, 11 × 50 तो 11 × 55, 550 हो गया, 550 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर इसको घटा देंगे, छठा निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 4 × 2 = 6, 9 × 1 = 10 के जीरो हाथ में 1, 1 × 3 = 5, 1 = 6, तो टोटल हो गया 500, 4 × 2 = 6, 9 × 1 = 10 के जीरो हाथ में 1, 3 × 5, 5 × 6, 600 हो जाएगा, 600 में से 550 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 50 × 56 हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक ना, सिंपल, अब इससे सिंपल आपको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ना, बहुत ही सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। बोला है 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए बोला है किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च क्रमशः कुछ दिया हुआ 8400 मासिक, 10080 तथा 10608 मासिक दिया, तथा वार्षिक बचत दिया, तो इस परिवार में औसत मासिक आय कितना हुआ,
सिंपल इसी तरह गुना भाग कर दीजिएगा, हो जाएगा ठीक ना। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आगे बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर क्या बोलता है, 10, 9वां नंबर बोला किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। ऊपर देखिए, सोमवार ठीक, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था ठीक, तथा मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना था, 41 डिग्री सेल्सियस था ठीक, 41 डिग्री सेल्सियस था। तथा बोला बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था और बृहस्पति का तापमान कितना था, 38 डिग्री सेल्सियस था। और हमसे क्या पूछ रहा है तो बताइए सोमवार का तापमान कितना होगा, ये बोल रहा है ठीक ना। सिंपल सी है, इसमें भी गुणा भाग करिएगा बन जाएगा, सोमवार का औसत तापमान कितना है ये पूछा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर टोटल 3 है तो 40 को 3 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। फिर 41 को 3 से, इनसे क्यों कर रहे हैं क्या, क्योंकि पता है यह तो औसत दिया हुआ है, यहाँ योग निकल जाएगा 3, 1, 2, 3 है, 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, यहाँ 3 4 12 27। अगर मान लिया जाए, अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ मंगल से मंगल चल जाएगा, बुध से बुध चल जाएगा, तो सोम बृहस्पति बचेगा, तो 120 में से 120 में से 123 जाएगा ठीक ना। देखिए अगर जैसे अब हम बता रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अगर मतलब इस काट दिए यानी कि घटा दिए तो घट जाएगा, तो कट जाएगा मंगल बुध, मंगल से मंगल बुध से बुध, तो बच जाएगा सोम और बृहस्पति, तो सोम और बृहस्पति का अंतर यहाँ भी घट जाएगा तो 3 हो जाएगा ठीक, 3 हो गया ना 3, देखिए माइनस 3 होगा ना, 120 में से 123 जाएगा, माइनस 3 होगा ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सोम हमसे क्या पूछ रहा है, सोम का, तो सोमवार हो गया और बृहस्पति का हमको पता है 38, तो माइनस 38 बराबर माइनस 3। अब इधर देखिए माइनस वाला 38 इधर से बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस में 38 हो जाएगा, तो प्लस में 38 है माइनस 3, तो इधर देखिए ऊपर ऊपर ही लिखते हैं, तो सोम बराबर क्या हो जाएगा 38 पर ऊपर ऊपर मतलब बराबर के उस साइड चला गया तो प्लस में माइनस 3, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 35 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, दंगल होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। 10 नंबर बोल रहा है कि एक कक्षा में 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 24 छात्र में टोटल 24 वो स्टूडेंट है, टोटल 24 स्टूडेंट है ठीक, और उसमें से हमको बता रहा है 6 का औसत ऊंचाई जो है, 6 का औसत ऊंचाई कितना है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर 1.15 ठीक, और 8 का बोल रहा है, 8 का औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1.05 है ठीक। तथा शेष छात्र यानी 8, 6, 14 तथा 10 बचा शेष, 10 का औसत ऊंचाई कितना बोल रहा है, 1 मीटर 11 सेंटीमीटर इतना है, तो बोल रहा है तो इन सभी छात्रों की औसत औसत ऊंचाई कितनी है, इनका औसत ऊंचाई बोला कितना है, यानी 24 लोगों का ठीक, ये पूछ रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, या तो हम सभी को गुना करके जोड़ देंगे ठीक ना, और उसके बाद 24 से भाग दे देंगे बन जाएगा ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर दूसरा मेथड ट्राई करते हैं ठीक ना। तो बोल रहा है अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक बीच वाला कोई एक वो ले लेते हैं ठीक ना, क्योंकि आसानी हुआ था, 1.05 ये लिए प्लस, अब इससे ज़्यादा है ठीक ना, टोटल बताना है तो इससे ज़्यादा ये कितना है, 10 ज़्यादा है, 0.10 ज़्यादा है, 0.10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0.10 को 6 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ठीक ना, उसके बाद 60 हो जाएगा यानी 0.6 ठीक, प्लस ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद 0.6 ठीक, बट्टा 24 के लिए पूछा है 24 ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 1.05 बट्टा 6, 6, 12 बट्टा 24 ठीक ना। अब इसको यहाँ से हटाएंगे
यहाँ 100 तो एक के अंक के बाद होगा, एक अंक के बाद होना तो एक अंक के बाद हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 0 होगा ना, होगा तो 12 दूना 24। तो देखिए 1.05 प्लस 1/20 यानी कि कितना हो जाएगा, 0.05 होगा, होगा। अब इसको 1.05 में 0.05 जोड़ दिया जाएगा, 1.10 हो जाएगा, हो जाएगा। दिखाया कि नहीं, यहाँ तक जा रहा है। तो आप इसको इसको जो है ना, ये वाला आपको जो दिख रहा है इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1.10। यानी कि एवरेज ऊंचाई, सॉरी टोटल इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई हो जाएगा 1.1 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना। फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली क्वेश्चन ये करेंगे, ठीक ना। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक। इसी बात पे आप लोग अगर समझ में आया और अच्छा मेरा कंटेंट लगा, क्योंकि एग्जाम्पल वाले कोई भी सर नहीं बता रहे हैं, जैसा कि हम भी देखें बहुत सारे वीडियो नहीं बता रहे हैं, हमने एग्जाम्पल वाला बताया है और आपको शायद बन भी जाएगा, आप बनाकर देखिएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त यारों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।